Hello everyone, a very nice morning to each and every students of class first. Dear students, how are you all? I think all are very well. Students, now I am here with the GK course book. So everyone, first of all, take out your GK test book, GK course book, okay? And as well as yesterday there was revised about chapter 13 and 14. Hope students, you all have completed your book. And you have revised also, because these all these syllabus are in your half yearly exam. Okay, so just after completing your book, you should revise and learn the chapters also. If you are doing so, that is very good. Okay, so students, now today I am here with the next chapter, which is about the chapter 15. And let me show the page number also today, which we have page number 15. Which page number? 15. So all of you take out your book and open the page number 15, and there you will have chapter 15. And the name of the chapter is International Epithet. International Epithet. Means today we will read about some epithets, okay, which are about the international. So what's the meaning of epithet? Students, do you know the meaning of epithet? क्या आपको पता है? Means इसको कहते हैं adjective, जो आपका word होता है ना, विशेषण. मीन्स जो भी किसी भी चीज़ की विशेषता को बताती है, उसको डिस्क्राइब करती है, दैट इज कॉल्ड द एपिथेट. सो फॉर गेटिंग आर फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर बेटर, सो लेट्स स्टार्ट टू सी फ्रॉम हियर. सम ऑफ दीज कंट्रीज आर बेटर नोन बाय देयर बाय नेम्स. सम ऑफ दीज कंट्रीज मीन्स कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जिनको हम और भी बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से जान सकते हैं बाय देयर बाय नेम्स. ओके, by using their by names or second names or nicknames, you can say. Write the names of the countries, then you have to write down these countries name against the epithet. Against the epithet means जो भी यहाँ पर describe किया गया है ना, उस country के बारे में जो भी वहाँ की quality है, description है, उसको क्या किया गया है इस chapter में, उसको describe किया गया है. And after that आपको क्या करना है, उस country का जो real name है, उस country का जो name है, वो आपको उस description के according write करनी है. Okay, for which they are famous, and then you will tell about that. Okay, why are they famous or why are they knowing about these thing. Clear students? So let's start to see. First of all, you can see there is a box. देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, एंड इन दिस बॉक्स सम कंट्रीज नेम्स आर गिवन देयर. तो चलिए हम लोग पहले कंट्रीज के नेम रीड करते हैं. फर्स्ट फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, कनाडा, कोरिया, भूटान, थाईलैंड, जापान, नॉर्वे, एंड लास्ट वन यू हैव स्कॉटलैंड. डियर फ्रेंड्स, दिस ऑल आर द कंट्रीज नेम. ठीक है ना, ये सारे कंट्रीज के नेम हैं, बट इनको हम कुछ बाई नेम्स के हेल्प से भी जान सकते हैं आइदर ये किस लिए फेमस हैं, किस नेम से फेमस हैं और किस थिंग के लिए फेमस हैं, उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस एपिथेट आर डिस्क्रिप्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, विच इज़ अबाउट योर लैंड ऑफ लैग्स. लैंड ऑफ लैग्स, नाउ विच कंट्री इज नोन एज ए लैंड ऑफ लैग्स. कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंड ऑफ लेक के नाम से जानी जाती है. लेक पता है ना आप लोगों को, जिसको झील कहते हैं. ठीक है, तो उसको वहाँ की जो कंट्री है उसको लैक्स के नाम जाना जाता है, वो लैंड ऑफ लैक्स के नाम से. सो कैन यू टेल मी दैट कंट्रीज नेम. येस, दैट इज फिनलैंड. दैट कंट्रीज नेम इज फिनलैंड. स्पेलिंग देख लीजिए, FINLANDE, फिनलैंड. क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट. लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस. Land of Golden Fleece. Now there's a country, okay, which is known as the Land of Golden Fleece, and that country's name is called Australia. क्या नेम है उस कंट्री का? ऑस्ट्रेलिया. स्पेलिंग आप लोग केयरफुली सी करेंगे, बिकॉज इफ यू विल हैव मिस्टेक वाइल राइटिंग द स्पेलिंग और टेस्टिंग द स्पेलिंग, देन यू मीन्स योर मार्क्स विल बी डिडक्ट. ठीक है ना, यू विल लॉस योर मार्क, सो बी केयर अबाउट द स्पेलिंग्स मिस्टेक ऑल्सो. ऑस्ट्रेलिया स्पेलिंग देखते हैं, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया. ओके, फर्स्ट इज द लैंड ऑफ द लैक्स इज कॉल्ड फिनलैंड, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, एंड द थर्ड वन यू हैव लैंड ऑफ
thousand pagoda, pagoda legs. Land of thousand pagoda legs. ठीक है ना, thousand pagoda, ये भी आपका लेग ही है. And that country is called Myanmar. यहाँ देखिए स्पेलिंग क्या है आपकी Myanmar की, Myanmar. ठीक है ना, Myanmar. Next is there land of lilies. Land of lilies. Okay, and it is known as the Canada country. Okay, Canada country. Have you read about Canada? पढ़ा आप लोगों ने? वो उस जगह को, उस प्लेस को लैंड ऑफ लिलीज के नेम से भी जाना जाता है, कनाडा को. नेक्स्ट आइए लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम. लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम एंड दैट कंट्री इज कॉल्ड कोरिया. कौन सी कंट्री है वो जिसको लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के नाम से जाना जाता है? वो आपकी है कोरिया. ओके, के ओ आर ए, कोरिया. नेक्स्ट है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन. लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन एंड दिस कंट्री इज कॉल्ड लाइक भूटान. ठीक है, भूटान. स्पेलिंग देखिए BHUTAN, भूटान. नेक्स्ट आपका है लैंड ऑफ स्माइल्स. लैंड ऑफ स्माइल्स ट्विंस, एवरीवन नोज अबाउट दिस स्माइल ना? यस. एंड नाउ विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ स्माइल? दैट इज कॉल्ड थाईलैंड. कौन सी कंट्री है? थाईलैंड. स्पेलिंग देख लीजिए स्ट्रेंस, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट टी. इट्स अ टी नॉट जे. ये टी आपका है. ठीक है, थाईलैंड, THAILAND, थाईलैंड. आप लोग कंफ्यूज होकर के जे मत राइट कर दीजिएगा. ठीक है ना, यहाँ पे टी ही राइट करेंगे. टी है, थाईलैंड है. ओके फाइन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट. लैंड ऑफ राइजिंग सन. लैंड ऑफ राइजिंग सन इज कॉल्ड द कंट्रीज नेम जापान. कौन सी कंट्री है? जापान. स्पेलिंग बताइए GAPAN, जापान, जिसको हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन के नेम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है लैंड ऑफ मिडनाइट सन. लैंड ऑफ मिडनाइट सन. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्वे. दैट इज कॉल्ड नॉर्वे. ठीक है, नॉर्वे कंट्री है जिसको मिडनाइट सन के नेम से भी जाना जाता है. एंड लास्ट वन यू हैव लैंड ऑफ केक्स. लैंड ऑफ केक्स ना विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स कंट्री. लैंड ऑफ केक्स कंट्री दैट इज कॉल्ड स्कॉटलैंड. कौन सी कंट्री है वो? स्कॉटलैंड है. ठीक है, स्पेलिंग देखते हैं SCOTLAND, स्कॉटलैंड. क्लियर फ्रेंड्स, नाउ इट वॉज योर रिविजन अबाउट पेज नंबर 15 एंड चैप्टर 15 ऑल्सो. सो लेट मी रिपीट इट एट वंस. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट, लैंड ऑफ लेक्स इज कॉल्ड फिनलैंड. लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया. लैंड ऑफ थाउजेंड पगोडा लेक्स इज कॉल्ड Myanmar. लैंड ऑफ लिलीज इज नोन एज द कैनेडा. लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम इज कॉल्ड कोरिया. लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कंट्रीज नेम इज भूटान. लैंड ऑफ स्माइल्स इज कॉल्ड थाईलैंड कंट्री. नेक्स्ट, लैंड ऑफ राइजिंग सन इज कॉल्ड जापान. एंड द नाइन्थ वन यू हैव लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज कॉल्ड नॉर्वे. द लास्ट वन विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स. ओके, एंड द कंट्रीज नेम ऑफ दिस एपिथेट्स इज स्कॉटलैंड. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, नाउ इट वॉज अ पेज नंबर विथ चैप्टर 15. वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, सो लेट्स मूव ऑन दैट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन दैट. पेज नंबर 16 मीन्स चैप्टर 16. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम हियर विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड दिस चैप्टर नेम इज सुपरलेटिव ऑफ द वर्ल्ड. सुपरलेटिव ऑफ द वर्ल्ड मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम टॉपिक्स. ओके, विच आर इन सुपरलेटिव. वी कांट मेक कंपेयर टू दिस थिंग विद अनदर थिंग्स. ओके, बिकॉज दे आर इन सुपरलेटिव. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू रीड. स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैच द फॉलोइंग सुपरलेटिव्स विद देयर नेम्स. वॉट हैव टू डू? मैच द फॉलोइंग सुपरलेटिव्स. यू हैव टू मैच दीज ऑल द सुपरलेटिव्स विद देयर नेम. ओके, यहाँ पे वन साइडेड में आपके सुपरलेटिव फॉर्म्स दिए गए हैं. ओके, इन सेकेंड साइडेड में आपके वो थिंग्स दिए गए हैं जो कि सुपरलेटिव में हैं. ओके, सो वी विल सी नाउ. लेट्स स्टार्ट टू सी फ्रॉम द फर्स्ट वन. यू हैव लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन लाइक विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. कैन यू टेल मी द लार्जेस्ट एनिमल? डू यू रिमेंबर?
कैन यू गेस? आप लोग गेस कर सकते हो? एनीवन कैन टेल मी विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? येस, दैट एनिमल इज कॉल्ड ब्लू व्हेल. दैट एनिमल इज कॉल्ड ब्लू व्हेल. एज यू कैन सी दैट इज गिवन. यहाँ देखिए, ब्लू व्हेल जो है वो आपका लार्जेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसके साथ हम इसको मैच कर देंगे. लेट्स सी हियर, यू विल स्टार्ट टू मैच एंड देन यू विल मैच टू दिस एनिमल. ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड हैवीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. नाउ विच एनिमल इज कॉल्ड द हैवीएस्ट? मीन्स हैवी होना, मीन्स भारी होना, जिसको बोलते हैं ना हैवीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. सो नाउ लेट्स कम टू थिंक. कैन यू थिंक अबाउट दिस? येस, दैट हैवीएस्ट एनिमल इज कॉल्ड हुज? अफ्रीकन एलिफेंट. अफ्रीकन एलिफेंट जो होती है बहुत ही हैवीएस्ट होती है वर्ल्ड में. ठीक है, एंड दैट्स ऑल्सो एन एनिमल. सो एन अफ्रीकन एलिफेंट इज कॉल्ड हैवीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट है थर्ड वन, टॉलेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड. टॉलेस्ट मीन्स सबसे जो लंबा होता है. टॉल मीन्स लंबा, मीन्स सबसे ज़्यादा लंबा. उसकी कंपेयर हम किसी और के साथ नहीं बना सकते. वो वर्ल्ड में आपका टॉलेस्ट है. ठीक है, तो कौन सी ऐसी एनिमल होती है टॉलेस्ट? अभी हम लोगों ने लार्जेस्ट रीड किया, हैवीएस्ट को रीड किया, और अब हम लोग टॉलेस्ट को रीड कर रहे हैं. तो आपका थर्ड वन है विच इज़ कॉल्ड जिराफ. टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट एनिमल कौन सी है वर्ल्ड में आपकी? जिराफ. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द बर्ड्स. नाउ देयर वॉज थ्री टॉपिक अबाउट द एनिमल्स. एनिमल्स टॉपिक वॉज देयर ना. फर्स्ट टॉपिक आपका था लार्जेस्ट, हैवीएस्ट एंड टॉलेस्ट. And these all were about the animal. And now we will move to the, or we will know the more things about the bird. Okay, bird. So start करते हैं. It's about the bird which is fastest bird in the world. कौन सी ऐसी bird है जो कि सबसे fastest होती है, सबसे तेज होती है bird की? So आप लोग को पता है, do you know which is that? Yes, that is called this one, peregrine falcon. Peregrine फॉल्कन बर्ड जो होती है सबसे फास्टेस्ट, ठीक है ना, बर्ड होती है पेरेग्रीन फॉल्कन. नेक्स्ट है लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा, सबसे लार्ज, सबसे बड़ा जो होता है बर्ड, सबसे लार्ज जो होती है बर्ड वर्ल्ड में कौन सी होती है? टेल मी नाउ विच इज दैट? दैट इज कॉल्ड योर ऑस्ट्रिच. ठीक है, दैट्स कॉल योर ऑस्ट्रिच. नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट सिक्स वन, स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. स्मॉलेस्ट बर्ड इज कॉल्ड हमिंग बर्ड. कौन सी बर्ड होती है? हमिंग बर्ड जो होती है स्मॉलेस्ट होती है, बहुत ही स्मॉल होती है. ठीक है ना, उससे स्मॉल कोई बर्ड वर्ल्ड में नहीं होता है. ये आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड. नेक्स्ट है लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड वर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. ठीक है, देखिए क्रोकोडाइल है, उसके आगे आपका एक टाइटल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. दैट्स समथिंग डिफरेंट विद दिस क्रोकोडाइल. ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन यू हैव एट नंबर, फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड. मीन्स विच एनिमल, और विच एनिमल इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल? कौन सी ऐसी है? एंड दैट्स कॉल्ड चीता. ठीक है ना, ये लैंड पे बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है, रन करती है, चलती है. एंड दैट्स कॉल यू चीता. ठीक है, वी हैव टू मोर ऑल्सो, स्लोवेस्ट लैंड एनिमल. अभी हम लोगों ने फास्टेस्ट लैंड को रीड किया, अब हमारे पास है स्लोवेस्ट लैंड एनिमल. स्लोवेस्ट लैंड एनिमल, स्लोवेस्ट लैंड एनिमल इज कॉल्ड विच वन? यू कैन सी देयर इज अ स्लॉथ. ओके, स्पेलिंग ऑफ दिस SLOTH, स्लोथ एनिमल इज द स्लोवेस्ट लैंड एनिमल. नेक्स्ट आपका है हाइएस्ट नेस्टिंग बर्ड इन द वर्ल्ड. हाइएस्ट नेस्टिंग बर्ड एंड इट इज कॉल्ड द हिमालय स्नो कॉक. हिमालय स्नो कॉक जो बर्ड है वो हाइएस्ट नेस्टिंग बर्ड है. ओके, इन द वर्ल्ड हिमालय स्नो कॉक. Hope students you all have understood these two chapters, which was about your firstly, okay, which was about your firstly international epithets,
and second was about the superlative of the word. Hope you all have understood, and if you all haven't completed to the chapter, so let's start to complete by this worksheet today and revise the chapters also for your half-yearly exam. Okay students, I hope you all are doing revision very well. So let's keep your revision work continuously with you. Next day we will revise about the next chapter, okay, in the revision work. So till then, students, now thank you. Have a good day.